यूट्यूब चैनल एम चेंजर 2.0 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर क्लास 10 का है। सब्जेक्ट साइंस में सिर्फ बायोलॉजी पार्ट का, और इसमें जो है 2020 और 2019 के सेट कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 2018 का सेट नंबर पहला है। इसके पहले 2020 का 6 सेट और 2019 का 6 सेट हम करवा चुके हैं। सातवां हमने छोड़ा है, सातवां सेट उसमें मतलब मेरे पास जो अनसॉल्व है उसमें कटा हुआ था, इसी वजह से वो सेट कंप्लीट ना होने के कारण हमने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो सेट नंबर ये 2018 का सेट नंबर 1 है। इसका कोड संख्या है 824IR। चलिए इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि हम ये जो अनसॉल्व पेपर करवा रहे हैं उसको COVID-19 की वजह से जो सिलेबस शॉर्ट किया गया है उसको ध्यान में रखकर करवाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन बहु विकल्प ये देखते हैं। पहला है कि मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं, मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? क्या इंसुलिन कहते हैं, या एंड्रोजन कहते हैं, या एस्ट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं? एक चीज़ और, ये जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहले का का जो है, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब बहु विकल्पीय है तो इसको हम बता दे रहे हैं। मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं क्या इंसुलिन कहते हैं, या एंड्रोजन, या एस्ट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं? तो मादा लिंग हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, जबकि पुरुष में एंड्रोजन का स्राव होता है और स्त्रियों में एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन का स्राव होता है। तो विकल्प तीसरा आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, जब फेफड़ों से शुद्ध रक्त इसमें आता है, क्या दयालिन में, या बाय नीले में, या बाय आलिंद में, या बाय नीले में? देखिए क्या होता है कि जैसे ये हृदय है, तो पहले तो हृदय में 4 पार्ट होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। तो पहले तो अशुद्ध रक्त दाहिने आलिंद में आता है, फिर दाहिने आलिंद से दाहिने नीले में जाता है, दाहिने नीले से सारा रक्त फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, फिर रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो वहाँ से शुद्ध रक्त किस में आएगा? पहले बाएं आलिंद में आता है, फिर बाएं नीले में। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है किस में? बाएं आलिंद में। तो विकल्प दूसरा आपका सही है। अगला है कि यकृत स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है? क्या लार स्रावित करता है, या जठर रस, या गन्यासे रस, या पित्तरस? तो यकृत क्या स्रावित करता है? यकृत पित्तरस स्रावित करता है। यकृत किससे किसका स्राव होता है? पित्तरस का स्राव होता है, जबकि पित्तरस का निर्माण किस में होता है? पित्ताशय में। हमेशा लोग ये गलती कर देते हैं कि अगर आपसे पूछा कि पित्तरस का स्राव होता है, मान लो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है यकृत, पित्ताशय और भी कुछ, तो लोग पित्तरस का स्राव होता है उसको तुरंत पित्ताशय पे लगा देते हैं। तो पित्ताशय में केवल पित्तरस का निर्माण होता है, लेकिन यकृत जो स्रावित करता है वो क्या करता है? वो पित्तरस का स्राव करता है। ठीक है, तो विकल्प चौथा आपका सही है। अगला है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? जब निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? क्या पुंकेसर, या वर्तिका, या अंडाशय, या बीजांड? तो निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय भाग फल में बदल जाता है, तो विकल्प दूसरा इसमें सही है। तो यह आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था। इसके आगे हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, स्वतंत्र अभ्यूह से आप क्या समझते हैं? केवल रेखाचित्र द्वारा द्विसंकर क्रास समझाइए। तो आपको इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है, और जो क्वेश्चन पहले हो जाता है उसको हम यहाँ पर नहीं करवाते हैं, इसलिए क्योंकि इससे आपको ये पता चले कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जितनी बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र अभ्यूह के नियम से आप क्या समझते हैं? ये आपका मेंडल का तीसरा नियम है, जिसको हम इसके पहले सेट में करवा चुके हैं।
तो आपको इसमें स्वतंत्र अभ्यून का नियम लिखना है, फिर रेखा चित्र द्वारा द्वि संकर क्रास को समझाइए। इसी स्वतंत्र अभ्यून नियम को जो समझाया गया है, इसी द्वि संकर क्रास भी आप कह सकते हैं। हमने आपको बताया था कि चाहे आपसे मतलब चित्र दोनों का एक ही बनेगा, स्वतंत्र अभ्यून का भी द्वि संकर क्रास का भी। अगर आपसे स्वतंत्र अभ्यून का चित्र पूछे तो आप उसकी जगह पर स्वतंत्र अभ्यून लिख दीजिएगा, और अगर द्वि संकर क्रास पूछे तो द्वि संकर क्रास लिख दीजिएगा। यहाँ दोनों पूछ रहे हैं तो आप स्वतंत्र अभ्यून की परिभाषा को लिख दीजिएगा। फिर रेखा चित्र जो बनाइएगा उसमें द्वि संकर क्रास मतलब इसी का चित्र बनाइएगा, लेकिन नीचे द्वि संकर क्रास लिख दीजिएगा। इसका अनुपात आएगा 9:3:3:1। ठीक है, इसको हमने पहले कराया है, इसको आपको रेखा चित्र बनाना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पिछले सेट में देखिएगा, हमने करवाया है तो ये पहले हो चुका है। जो लोग शुरू से देखेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला तीसरा हमने छोड़ दिया क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन था वो आपके सिलेबस से इस समय हटा दिया गया है कोविड की वजह से। हम क्वेश्चन बोल देते हैं। क्वेश्चन था आपका एक तीसरे का कहा था कि प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, इसको भी हटा दिया गया है। और अथवा करके जो दिया था कि हार्मोन तथा विकर किसे कहते हैं, इनमें से कोई दो अंतर लिखिए, ये भी हटा दिया गया है। और फिर खा था कि नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, थायराइड ग्रंथ की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने नहीं करवाया। अब आपको जो 12वां क्वेश्चन था, सॉरी जो 14वां क्वेश्चन था वो है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्रों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश तथा पढ़हरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, पढ़हरिम यानी कि हरित लवक की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे हम निम्न समीकरण द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लेते हैं और जल के 12 अणु, तो 6CO2 और 12H2O। अब क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज यानी फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जो इनका भोजन है, साथ ही साथ में कुछ मात्रा में जल बनता है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। देखिए एरो जो है ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, यहाँ उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट को पादपों में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है तथा शेष ग्लूकोज मंड के रूप में संचित होकर खाद्य भंडारण का निर्माण करता है। यानी कि जैसे जब भोजन बना, ठीक है, भोजन बनने के बाद जो आवश्यक है श्वसन के दौरान जो आवश्यक है वो उपयोग कर लिया गया और जो बच गया उस ग्लूकोज को वह ग्लूकोज मंड के रूप में संचित हो जाता है जो पौधों में खाद्य भंडारण का निर्माण करता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। आप देखिए समीकरण को देखिए, समीकरण को देखिए, इसी से परिभाषा आप याद कर लीजिए। देखिए आप बोलिए कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा साथ में ऑक्सीजन गैस को
मुक्त करते हैं। ठीक है, आप इतना भी लिख दीजिए, ठीक है, तभी भी आपको परिभाषा सही है, लेकिन इस समीकरण को परिभाषा के साथ अगर आप लिख देते हैं तो आपका एकदम कोई नंबर उसमें काट नहीं सकता है। ठीक है, बाकी इतना तो आप लिख ही देंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक जो रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस इसमें मुक्त होती है तथा कुछ मात्रा में जल भी बनते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, पहले था प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, हो गया। अब अगला था कि चित्रों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, तो हम इसको देखते हैं। चलिए, तो पहला कह रहा है, पहला आपसे क्या कह रहा है कि प्रकाश आवश्यकता का प्रदर्शन, प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। तो सबसे पहले हम प्रकाश की आवश्यकता के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक गमले में लगे पादप को अंधकार में 48 से 72 घंटे रखकर स्टार्च विहीन कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें एक गमले में जो, जैसे एक गमला है उसमें कोई पादप पौधा लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 48 से 72 यानी 2 या 3 दिन के लिए उसको क्या कर देंगे, अंधेरे में रख देंगे, यानी कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ना जाए, ऐसी जगह रखेंगे, रख देंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, स्टार्च विहीन हो जाएगा, यानी कि इसमें जितना भी स्टार्च होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे कि अब उसी में से, उसी पौधे में से एक पत्ती के दोनों ओर, एक पत्ती उसी में से तोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे कि एक पत्ती के दोनों ओर काला कागज क्लिप की सहायता से लगाकर पादप को 3-4 घंटे के लिए प्रकाश में रख देते, मतलब पौधे में भी लगा रहने दीजिए पत्ती को। तो उस पत्ती को क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक पत्ती को, एक पत्ती में काले कागज को क्लिप की सहायता से लगा देते हैं, पत्ती के दोनों ओर लगा देते हैं, और लगाकर पादप को फिर से 3 से 4 घंटे के लिए प्रकाश में रख देते हैं। ठीक है, जब लगा दिए तो 3 से 4 घंटे के लिए पादप में रख देते हैं। कौन से पौधे को, जिस पौधे को हमने 48 से 72 घंटे बिना अंधकार में रखा था, उसी पौधे की पत्ती में काला कागज क्लिप की सहायता से चिपकाएंगे और फिर उसके बाद में 3 से 4 घंटे के लिए प्रकाश में रख देते हैं। अब देखिए फिर पत्ती को तोड़कर आयोडीन का परीक्षण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको क्लिप की सहायता से चिपकाए हैं तो क्या होगा कि जब आप इसमें इसको आयोडीन के घोल में डालेंगे, आयोडीन के घोल में डालेंगे तो ये क्या होगा, आयोडीन के घोल में डालने पर इस पत्ती का क्या प्रभाव पड़ेगा कि पत्ती का वह भाग जो काले कागज़ से ढका था वह नीला नहीं होगा। पत्ती का वह भाग, जैसे ये कोई पत्ती है, अभी पत्ती का इतना भाग अगर काले कागज से ढका था तो ये वाला भाग नीला नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश के अभाव में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं लगा है। ठीक है, उसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाया है, तो जिसके कारण वह नीला नहीं होता है, जबकि पत्ती का शेष भाग स्टार्च के कारण क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। नीला इसलिए हो जाता है क्योंकि जब उसको आयोडीन से उसका परीक्षण आयोडीन के घोल में किया जाता है तो आयोडीन के संपर्क में आने पर जो पत्ती का शेष भाग जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रवेश हुआ है तो वह नीला या काला हो जाता है। तो पत्ती का शेष भाग स्टार्च के कारण काला हो जाता है, यानी स्टार्च की उपस्थिति में जब आप पत्ती को आयोडीन के घोल में करते हैं तो वो नीला कलर का हो जाता है या काला कलर का हो जाता है। अतः प्रयोग से स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस पत्ती को काले रंग से ढका गया था वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचा था, इसलिए जब उसका आयोडीन परीक्षण किया गया तो आयोडीन परीक्षण से वह भाग नीला नहीं हुआ। ठीक है, जबकि जो भाग खुला हुआ था पत्ती में, जिस भाग में प्रकाश पहुंचा था वह भाग नीला हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है।
अब देखिए एक चीज़ और, जो आयोडीन परीक्षण है वो डायरेक्ट आयोडीन परीक्षण ऐसे नहीं होता है। पहले इस पत्ती को हम लोग जल में उबालेंगे, जल में उबालने के बाद में इसको एथिल अल्कोहल में उबालेंगे। फिर एथिल अल्कोहल में उबालने के बाद में फिर आयोडीन में उबालते, तो आयोडीन परीक्षण का एक क्रम है ये। तो यहाँ पर केवल आयोडीन परीक्षण दिया था, आप इतना ही जानिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा। तो प्रकाश का तो सिद्ध हो गया, अब अगला हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता का प्रदर्शन के बारे में देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता का प्रदर्शन, इसके लिए एक बड़े एवं चौड़े मुंह की बोतल में KOH का घोल लेते हैं। इसके लिए एक बड़े एवं चौड़े मुंह की बोतल में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेते हैं, और एक मंड रहित पादप की पत्ती को, एक मंड रहित यानी कि जिस पौधे को 3 से 4 घंटे के लिए, सॉरी 3 से 2 या 3 दिन के लिए अंधकार में रख दिया गया था, तो वह स्टार्च विहीन हो गया था यानी मंड रहित हो गया था। तो पत्ती की तो उस मंड रहित पादप की पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल के अंदर इस प्रकार लगाते हैं कि उसका आधा भाग बोतल में तथा आधा भाग बोतल के बाहर, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। आधा भाग बाहर है पत्ती का और आधा भाग बोतल के अंदर। इस उपकरण को 3 से 4 घंटे धूप में रखकर आयोडीन परीक्षण करने पर, पहले इसको इस उपकरण को 3 से 4 घंटे धूप में रख देंगे, फिर उस पत्ती का आयोडीन परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो आयोडीन परीक्षण करने पर पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था नीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब उसमें पड़ता है तो उसमें मंड का निर्माण हो जाता है, स्टार्च का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण पत्ती नीली पड़ जाती है। परंतु बोतल के अंदर पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर क्या किया गया था, KOH का घोल डाल दिया गया था। और KOH घोल क्यों डाला गया, क्योंकि अगर मान लीजिए इस बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ भी गया तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, यानी कि उसको समाप्त कर देगा। तो इसका कारण यह है कि बोतल के अंदर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं थी। तो इस बोतल की कार्बन डाइऑक्साइड KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इस तरीके से यह भी सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की आवश्यकता होती है, बिना दोनों के जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो इस प्रयोग को मोल का प्रयोग भी कहते हैं, या इस प्रयोग को मोल की आधी पत्ती का प्रयोग भी कहते हैं, ठीक है। आपसे अगर ये भी पूछ ले कि मोल की आधी पत्ती का प्रयोग क्या है, तो आप इसी को यहाँ से ले करके यहाँ तक चित्र सहित बनाकर और अब दिखा दीजिए, आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके साथ चित्र ज़रूर बनाइएगा, उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। अब देखिए इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया था, तो आपके सिलेबस का नहीं था इसलिए हमने नहीं करवाया, कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो भी आपके सिलेबस में नहीं था। तो आपका ये 2018 का सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और आप सभी अनसॉल्व पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए, इससे आपके जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी एम चेंजर 2.0 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसके तक हो सके उसके तक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।